चलिए सारा स्टूडेंट लाइव जुड़ जाइए फटाफट, ताकि हम अपने इस सेशन को, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सेशन को, जल्द कम समय में आपको एक अच्छे बेनिफिट पॉइंट को दे सके, यानी कि अच्छे प्रोडक्शन एक प्रोडक्टिविटी को दे सके। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चा आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का दूसरे यूनिट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान लेआउट। ये प्लान लेआउट किसके कितने कितने टाइप का होता है, तो देखिएगा था कि जनरली फोर चार टाइप का होता है। एक होता है फिक्स प्लान लेआउट, दूसरा होता है प्रोसेस, या इसी को फंक्शनल प्लान लेआउट कहते हैं, और एक होता है तीसरा लाइन प्लान लेआउट, और एक चौथा होता है सेलुलर प्लान लेआउट, है ना। तो सभी को डिफिनेशन को समझेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और साथ ही कैसे वर्क करता है, क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले फिक्स प्लान लेआउट को हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स पोजिशन प्लांट लेआउट, यानी कहता है कि इसको फिक्स पोजिशन, यानी जो वर्क होता है, जहां मान लीजिए इसका वर्क यानी कि इसको मशीनिंग करना है, तो इसको फिक्स रखेंगे, इसके चारों ओर वर्कर होगा, वर्कर और मशीन वर्क करेगा, तो उसी कहते हैं फिक्स प्लान लेआउट। यानी वर्क पीस को फिक्स करके, यानी वर्क स्टेशन जहां फिक्स रहेगा उसी पर ना वर्क पीस रहेगा, यानी वर्क स्टेशन को फिक्स करके वर्कर आगे इधर उधर काम मूव करके, और कंपोनेंट चाहे जो भी पार्ट उसमें मशीन काम करे वो करके प्रोडक्शन दे, उसी को कहते हैं फिक्स प्लान लेआउट, है ना। जैसे वर्कशॉप हो गया, तो वर्कशॉप पे फिक्स करना है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, यानी कि ये रॉ मटेरियल है, इसी को हम लोग प्रोडक्शन करना है, तो हमारा फिक्स प्लान लेआउट यहाँ फिक्स है। हम लोग इसको इधर से ड्रिलिंग करना है तो इधर वर्कर या मूव करके यहाँ से होगा, और मान लीजिए इधर से कटिंग करना है तो इधर मूव करके यहाँ से कटिंग करेगा, और यहाँ से कटिंग करने के बाद मतलब कहने का एक तात्पर्य यह है कि जो वहाँ इस प्लान लेआउट में जो हमारा वर्कशॉप होता है जो फिक्स होता है, और इसी पर रॉ मटेरियल को रखकर प्रोडक्शन करते हैं, मशीनिंग करते हैं। तो कहता है इन दिस प्लान लेआउट प्रोडक्ट आर रिमेन कांस्टेंट, यानी जो प्रोडक्ट होता है जो रिमेन स्टेशनरी होता है, अस्थायी रूप से स्थिर होता है, एंड वर्कर कंपोनेंट एंड टूल्स आर मूव टू द वर्क स्टेशन। तो अभी बोले कि जो वर्कर है, कंपोनेंट और टूल है, जो मूव किसके अकॉर्डिंग करता है, वर्क स्टेशन के मूव करता है। फिर कहता है इट इज यूज फॉर हैवी और लार्ज कंपोनेंट, ये जी बड़ा बड़ा जिसे मशीन को प्रोडक्शन करना है तो उसको बार बार उठा के दूसरे जगह ले आना पॉसिबल नहीं है, तो उसी को फिक्स स्टेशन पर वर्क स्टेशन पर रखकर मशीनिंग करते हैं। यह किसके लिए उपयोगी है, तो हैवी यानी को भारी और लार्ज, लंबा मान लीजिए कि जैसे रेल का इंजन है, कपूरथला का नाम सुने हैं, तो जहाँ जो रेल डिब्बा है तो वहाँ जो डिब्बा है जो किस पर होता है, क्योंकि उसका डिब्बा काफी लंबी होती है, यानी करीब करीब 50 से 100 फीट के बीच में, तो इस 50 से 100 फीट को अगर बार बार दूसरे जगह मशीनिंग करने के लिए, अलग अलग टाइप के मशीनिंग करने के लिए ले जाएंगे, तो वहाँ काफी है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो उसको हम लोग लार्ज और हैवी क्योंकि भारी भी होगा, तो उसको हम लोग फिक्स प्लान लेआउट के तहत उसको मशीनिंग करते हैं। फिर कहता है तो ये हो गया, फिर कहता है हम लोग इसको करेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक में कहता है पहला कि दी द वर्क, डब्ल्यू एस का मतलब वर्क हो गया, एस मतलब स्टेशन, द वर्क स्टेशन इज फिक्स, इसमें वर्क स्टेशन फिक्स रहता है। फिर कहता है दूसरा कि इट इज यूज फॉर हैवी कंपोनेंट, यानी हैवी कंपोनेंट को मशीनिंग करने के लिए करते हैं। तीसरा कहता है टूल वर्कर आर मूव टू वर्क स्टेशन, इसमें टूल और वर्कर होता है किसके अकॉर्डिंग मूव करता है, वर्क स्टेशन के। फिर कहता था वर्कर शुड बी मन मस्ट क्लास स्किल, जो हाँ वर्कर इसमें काम करेगा जो मस्ट स्किल्ड होता है। फिर इसको एडवांटेज देखिए, एडवांटेज में कहता मिनिमम मूवमेंट ऑफ मैन एंड इक्विपमेंट, कम से कम मूवमेंट के साथ इसको करते हैं, इसमें क्या तैयार होता है, इक्विपमेंट तैयार होता है। कहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो, चूंकि यहाँ बार बार दूसरी जगह ले आने में खर्चा कम होगा, यानी कि दूसरे कंपोनेंट के, तो यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। फिर कहता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज मैन्युफैक्चरिंग, तो ग्रेटर सही बात है निकलेगा। फिर चौथा कहता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी नेग्लिजिबल, चूंकि वहाँ को हैंडलिंग करने के लिए जो वर्क स्टेशन पर रखेंगे तो वहाँ हैंडलिंग करने के जो कॉस्ट लगे वो उसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं, यानी कि उसको हटा दिया जाता है, कम से कम खर्चा होता है तो जिसे हम लोग उसको हटा देते हैं। फिर देखते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो कहता है इट इज मोस्टली यूज टू फॉर हैवी प्रोडक्ट, अगर इसको मान लीजिए छोटे छोटे प्रोडक्ट करना है तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं
करेंगे तो यहाँ यह जनरली किसके लिए किया गया है कि स्पेशली हैवी प्रोडक्ट के लिए और लार्ज प्रोडक्ट के लिए किया गया है। इन हाई स्किल ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें जो होगा जब वर्कर होगा जो हाई स्किल होना चाहिए, तो अगर इसको हाई स्किल लेबर की जरूरत होता है एक डिसएडवांटेज है। मोर स्पेस रिक्वायर्ड, लंबा लंबा रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा स्पेस को रिक्वायर्ड चाहिए, ज्यादा स्पेस को घेर यानी कि कवर करेगा, तो ये हो गया डिसएडवांटेज। फिर दूसरा हम लोग चलते हैं प्रोसेस या फंक्शनल प्लान लेआउट। तो कहता है कि इन दिस प्लान लेआउट दीज मशीन व्हिच परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन आर ग्रुप टुगेदर और अरेंज एट सेम लोकेशन आर कॉल्ड डिपार्टमेंट। यानी ग्रुपिंग वाइज ग्रुपिंग कर जो उसको हम लोग तैयार करते प्रोडक्शन उसी को कहते हैं प्रोसेस या फंक्शनल प्लान लेआउट। फिर कहता है प्रोसेस ऑफ एनी डिपार्टमेंट स्टार्ट इवन टू प्रोसेस एट प्रेसाइडिंग डिपार्टमेंट कम्प्लीटली स्टॉप। जैसे देखिए मान लीजिए आपके ये हो गया, ये वर्क हो गया, सॉरी रॉ मटेरियल है, इसको हम लोग को मार्कर बनाना, मान लीजिए मार्कर नहीं मार्कर बनवाना, तो सबसे पहले इस ग्रुपिंग के बाद इसके पास जाएगा। तो जो यहाँ मान लीजिए यहाँ मशीनिंग हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा मान लीजिए चेकिंग यानी कि फिनिशिंग अथी कर रहा है, यानी कि जैसे गोल इसको गोल में कवर गोला में डिवाइड कर रहा है बांट रहा है, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ कंपोनेंट होगा जो सारा यहाँ केबल होगा क्या यहाँ होगा सारा ये केबल इसी टाइप का ऑपरेशन होगा। उसके बाद यहाँ ड्रिलिंग हो रहा है तो सारा ऑपरेशन यहाँ ड्रिलिंग वाला, और यहाँ रिव्यूनिंग हो रहा है तो यहाँ रिव्यूनिंग होगा यानी है ना। तो उसके बाद एडवांटेज कहता है कि लेस नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, यानी लेस कम से कम मशीन इसमें रिक्वायर्ड जरूरत होता है, यानी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा तो होता है। कहता है डिसएडवांटेज देखिए इसका, कहता है मोर स्पेस रिक्वायर्ड इसमें, ताकि ग्रुपिंग वर्क यानी कि प्रोडक्शन होगा तो इसमें स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड करेगा। टोटल प्रोडक्टिविटी साइकिल इज मोर, यानी कि जो टोटल जो यानी कि यहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ निकलने में जो साइकिल टाइम होता है जो अधिक लगता है, तो ये हो गया। अब तीसरा में हम लोग देखते हैं लेफ्ट लाइन प्लान लेआउट। कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट प्लान लेआउट, कहता है इसको दूसरा नाम है प्रोडक्ट प्लान लेआउट। इन दिस प्लान लेआउट मशीन वर्क स्टेशन इज अरेंज इन सिक्वेंसिंग ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन द वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस को यानी कंटिन्यूअसली करने के लिए उसको वर्कशॉप को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि जहां प्रोडक्शन हमारा रेगुलर एंड कंटिन्यूअस होते रहे। फिर कहता है इन दिस वर्क पीस इज मूव अवे फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन, यानी डिफरेंट जो वर्क पीस होता है उसको जहां जहां मालिक जहां उसको ड्रिलिंग करना ऑपरेशन करना तो अलग अलग अपने खुद उसको ऑटोमेटिक अरेंज रहता तो घूम कर सकता है। फिर एडवांटेज देखिए इसका, कहता है मास प्रोडक्शन इज ऑप्टेन, इसमें आपको मास प्रोडक्शन तैयार होगा, यानी आपकी प्रक्रिया जब शुरू होती तो लगातार होती रहती है। फिर कहता है मटेरियल हैंडलिंग इज फुली ऑटोमेटिक, इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग यानी धारने का काम हैंडलिंग यानी जैसे इसको पकड़ने का काम होगा तो हैंडलिंग का काम ऑटोमेटिक कहना ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाता है। फिर कहता है कि डिसएडवांटेज कहता है वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसमें अलग अलग वेराइटी का हम लोग प्रोडक्शन को तैयार नहीं कर सकते। फिर कहता है ब्रेक डाउन एट एनी वर्कशॉप देन प्रोडक्शन इज स्टॉप, यानी कि मान लिया कि ये मास प्रोडक्शन हो रहा है किसी में एक बार का स्टेशन वर्क करना प्रॉपर तरीके से काम बंद कर दिया तो इस एक बार का स्टेशन चलते उस पूरा होल जो वर्किंग काम हो रहा उस सभी को स्टॉप कर देगा, एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर कहता है सेलुलर प्लान ले चौथा हो गया, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, देखिए इसका यानी कि सेकंड और थर्ड को मिलाकर इसको बेसिकली तैयार किया जाता है तो इसको सेलुलर प्लान लेआउट कहते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ प्लान लेआउट। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। देखिए इसी चैनल पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का बैच को स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप जितने भी आपके रिश्तेदार होंगे या ब्रदर या सिस्टर होंगे तो सारे को इन्फॉर्म या शेयर कर दीजिएगा कि रॉ ऑनलाइन अकेडमी पर फ्री में अवेलेबल कोर्सेज कराई जा रही है, यानी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2022 के लिए हम लोग एक प्लान लाए हैं मिशन 90, यानी मिशन 90 डेज का एक हम लोग का स्ट्रेटजी प्लान है जिसके तहत 90 दिन में हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करवा सके, यानी गवर्नमेंट को उसका रैंक अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव करवा सके। तो हम लोग ये था, तो आप से अधिक लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा इसी चैनल पर 8 PM से लाइव डेली चलता है, 8 AM से लाइव चलता है।
लाइव यानी 8 AM से डेली इसका लाइव चलता है 8 AM से 10 AM, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए जय हिंद।